चंद ऐसी अखलाकियात जिनको अगर हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन में शामिल कर लें तो आपका किरदार, आपकी पर्सनैलिटी दूसरे लोगों से मुनफरिद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वो अटेंड नहीं कर रहा है या डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो बार बार करके इरिटेट मत करें, हो सकता है वो कहीं मसरूफ हो। किसी से ली गई उधार रकम अपने वादे के ऐन मुताबिक अदा करने की कोशिश करें उसके कहने से पहले, खा वो एक रुपया हो खा वो करोड़ रुपया हो, इससे आपके किरदार की पुख्तगी का अंदाजा होता है। अगर कोई आपसे कहे कि उसे डॉक्टर के पास जाना है तो उसे हरगिज ये सवाल मत करें कि क्यों किसके साथ जाना है, जब तक वो खुद आपसे शेयर ना करें। हाँ, अलबत्ता उसे अच्छी सेहत की दुआ जरूर दीजिए। अगर आपको कोई मोबाइल फोन देता है, कोई तस्वीर दिखाता है, तो राइट लेफ्ट स्वाइप ना करें अपनी मर्जी से, हो सकता है उसकी कोई प्राइवेसी हो। इसी तरह किसी से उसके वजन के बारे में बात करने की, पूछने की कोई तुक नहीं बनती। सिर्फ इतना कहें कि आप अच्छे लगते हैं। वो खुद अगर वजन कम करने या बढ़ाने की बात करे तो फिर उससे जरूर बात करें। किसी दोस्त, अहबाब, कुलीग, रिश्तेदार के साथ आप टैक्सी पर ट्रेवल करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो अगर पैसे उसने अदा किए हैं तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आप खुद अदा करें, इससे आपके किरदार की पुख्तगी का अंदाजा होगा। और जिस तरह अपने ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज में अपने से बड़े मनसब वाले लोगों से आप बड़े अदब व एहतराम के साथ बात करते हैं, इसी तरह अपने से छोटे मनसब वाले, पियोन्स हो गए, चौकीदार हो गए, ऑफिस बॉय हो गए, उनसे भी उसी लहजे में उसी मोहब्बत से बात करें। इससे आपके किरदार के आयना, ये आपके किरदार का आयना है, आप असल किस किरदार के मालिक हैं इस बात से वाजह होता है। इसी तरह लोगों से वो सवाल ना करें, मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने लिखा, जो रब ने बंदों से करने हैं। आपने नमाजें पढ़ी, आपने रोजे कितने रखे, नफल कितने पढ़ते हैं, वो सवाल करें जो इंसानों को इंसानों से करने चाहिए। आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको कुछ पैसों की जरूरत तो नहीं, आपको भूख तो नहीं लगी, ये वो सवाल है जो इंसानों से करने चाहिए। अगर आपसे कोई बात कर रहा है मुसलसल और आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को एक साइड पर रख दें, ये बहुत बड़ी गैर अखलाकी हरकत है जो हमारे बच्चों में आज कसरत से पाई जा रही है, बल्कि सराइयत करती जा रही है हमारी रूह के अंदर। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लाइक अगर कोई अरसे बाद आपसे मुलाकात करता है तो उससे उसकी तनख्वाह के बारे में, उसकी गाड़ी के बारे में, उसकी शादी के बारे में खुद ना पूछें, जब तक वो खुद आपसे इजहार ना करना चाहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो आपका किरदार, आपका अखलाक, आपका मयार दूसरे लोगों से मुनफरिद होता जाएगा। मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। अल्लाह करीम आसानियां हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सलाम पहुंचे।